वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जब से पार्टी से वापस आया हूँ आप लोगों से मिलकर, पता नहीं अजीब सा मन बेचैन सा है। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट कुछ हालत ऐसी थी जैसे एक पिता की हालत होती है लड़की की विदाई करते समय, जब शादी होती है, जो दुख बिछड़ने का होता है। हालांकि ऐसा कोई बिछड़ने वाली बात नहीं है, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, बट पता नहीं वहाँ जो आपके पेरेंट्स से मुलाकात हुई, आपसे स्टूडेंट्स बात हुई, और इवन आपसे नहीं, हम टीचर्स जो आपस में मिले, हमारे फाउंडर मेंबर्स जो मिले हमें, हमारे आपस में जो सर लोग हैं, सभी सर लोग जिनके साथ बैठकर बातचीत हुई, हालांकि स्टूडेंट्स से रिलेटेड बातचीत, और हम कई बार पहले भी मिले, बट पता नहीं कुछ बच्चे चलते समय रोने लग गए, उनका दिल उदास था, और वो सेंटीमेंट्स मतलब अंदर थे, बट पता नहीं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मतलब इसके लिए बोलने के लिए कि कैसे डिफाइन करूँ, बट हर कोई याद आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वक्त थोड़ा और, वक्त तो कम ही पड़ता है, चाहे वो स्टूडेंट थे या टीचर्स थे, जो हम मुझे ये लग रहा है जो हम रोज़ ऑनलाइन बातचीत करते हैं उन टीचर्स के साथ, जो रोज ही मीटिंग होती है, सोचिए उनसे भी दूर आने का, वापस आने का मन नहीं कर रहा था। रियली माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिसिंग यू लॉट, रियली आई एम मिसिंग यू लॉट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और जूनियर्स देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं तो आप सोचिए मतलब कितना लगाव होता है, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो वहाँ तक गए थे, वो भी मुझे लगता है सेम फील कर रहे होंगे। चलते समय लक्ष्य जीत आ गया, एकदम गले लगा लिया कि सर नहीं, मन नहीं हो रहा कि अभी जाना है, और वहाँ से मतलब जो दिल में छिपी हुई कशिश, जो अंदर इंटरनल फीलिंग्स थी, वो सभी में हम, मैं सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो मुझे लगता है सभी के साथ सेम ये लगाव ही ऐसा कुछ है, ये बॉन्डिंग ही ऐसी कुछ है। चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट यस रियली आई एम मिसिंग यू लॉट, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मेरे कोलीग्स, सभी को मिस कर रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, मौका मिलेगा तो जल्द ही फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।